पंतनगर सिडकुल कार्यालय के पास एक टैंकर में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव होने से हड़कंप पहुंच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन और फायर की टीमें भी मौके पर पहुंची है। दमकल टीम द्वारा टैंकर को सुरक्षित स्थान पर खाली कराकर एसिड को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि CFO वंश बहादुर यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में साफ सफाई के लिए मंगवाया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंकर से रिसाव होने लगा है। सूचना पाकर दो फायर टेंडर की मदद से हाइड्रोक्लोरिड एसिड को खाली कराकर नष्ट किया गया है। टैंकर में 8 से 10 हज़ार लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 70% पानी जबकि 30% एसिड का लिक्विड था। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। का टैंकर था, इसमें एक हल्का सा छेद हो गया जिससे वो रिसने लगा था जो, तो उसको यहाँ ला कर फिर हम लोग दो टैंकर ले आए और उसको ड्रेन करवाया गया। कुछ उसके लेवल पे आ गया जब, तो पानी डालते रहे। गैस गैस रिसाव नहीं था। हाँ, इसको लगभग आधे घंटे में हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। नुकसान चूंकि ये कंसनट्रेट नहीं था पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें 70 और 30 का रेशियो था, 70% पानी और 30% हाइड्रोक्लोरिक एसिड।